हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्राउज़र का नाप लेना बताऊंगी कि कैसे उसकी मेजरमेंट की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसकी लेंथ देखूंगी, इस वाले हिस्से से इसकी मैं लेंथ देखूंगी। इसकी लेंथ 37 है, तो हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो हम 3 इंच इसको ज़्यादा रखेंगे, 2 इंच इलास्टिक के लिए और 1 इंच नीचे से फोल्डिंग के लिए। अगर आप नीचे से ज़्यादा फोल्ड करना चाहते हैं तो आप नीचे से उसको 2 इंच नीचे से और 2 इंच 4 इंच उसको ज़्यादा रख सकते हैं। अब मैं इसकी चौड़ाई देखूंगी, ये आसन के इस कॉर्नर से मैं इसकी चौड़ाई देखूंगी। ये इसकी चौड़ाई 16 इंच है, तो हम 2 इंच इसको ज़्यादा रखेंगे, दोनों साइड से 1-1 इंच की सिलाई आ जाएगी, तो हम इसको 18 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। अब मैं इसकी आसन से इसका नाप लूँगी। तकरीबन ये 14.5 है, तो मैं इसका 3 इंच इससे ज़्यादा रखूँगी, 2 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए और 1 इंच नीचे से। अब मैं इसका पांचा देखूँगी। ये तकरीबन 6 इंच है, तो हम इससे 2 इंच कटिंग में जब कटिंग करेंगे तो इसको 2 इंच हम ज़्यादा रखेंगे, तकरीबन 8 इंच इसको हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो 2 इंच इसको सिलाई के लिए अलग से रखेंगे। तो ये थी हमारी ट्राउज़र की मेजरमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।